Okay, students, now we will do some questions related to these two identities which we have done. First question is, we have to find the value of 2y plus 5 into 2y plus 5. See, you can find it with the help of procedure of product of binomials. Why we are using identities? It is a very important question. If we can find the product using product of binomials directly, then why we are using identity? See, using identities make the procedure simple and short. अगर हम identities का use करते हैं तो product निकालने का procedure आसान और छोटा हो जाता है. कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. तो 2y plus 5 is into 2y plus 5 को हम 2y plus 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा. अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो ये क्या है, दो नंबर्स के सम का स्क्वायर. हमारे पास ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें हम दो नंबर के सम का स्क्वायर निकाल सकते हैं? वेरी गुड, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी रिलेटेड टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. If we try to compare this with a plus b, then here a is 2y and b is 5. Let us put these values in it. A square means 2y square plus b square means 5 square plus 2 into a. A is 2y and b is 5. Now इस स्क्वायर को इवेल्युएट करते हुए आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, ये 2 into y होल स्क्वायर है. 2 का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर हो गया 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 into 2 4 into 5 20y. क्या इस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स हैं? y स्क्वायर नहीं है, कांस्टेंट आगे नहीं है, 20y इससे लाइक रिलेटेड कोई टर्म नहीं है. इस एक्सप्रेशन में अब कोई भी लाइक टर्म्स नहीं बची है, इसलिए ये हमारा आंसर है. नाउ सी द प्रोसीजर. अगर हम इसको बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते तो थोड़ा टाइम लगता, लेकिन फॉर्मूले से सॉल्व किया तो एक ही लाइन में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो आइडेंटिटी का यूज करके प्रोसीजर शॉर्ट एंड सिंपल हो जाता है. लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट बेस्ड अपॉन सेकंड आइडेंटिटी. प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर्स, वी कैन राइट इट 3a माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर. ये लिखने के बाद अब हमको ये ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें दो नंबर के सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर होता है. डेफिनेटली हमारे पास वो आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर.
अब आइडेंटिटी लिखने का एक मेथड होता है, अगर क्वेश्चन में कोई लेटर यूज किया हुआ है और हम कोई आइडेंटिटी रेफर करते हैं तो उस लेटर को आइडेंटिटी में यूज मत करो। अगर ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस माइनस टू ए बी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई। मैंने इस आइडेंटिटी को ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि यहाँ पे मैंने ऐसा कोई भी लेटर यूज नहीं किया जो क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो x की जगह क्या आ रहा है 3a और y की जगह क्या आ रहा है 1 बाई टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर 3a का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर यानी 1/2 का स्क्वेयर। माइनस टू इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस टू इंटू एक्स इंटू वाई, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, माइनस टू इंटू एक्स इंटू वाई, टू से टू कटो। सो 3a होल स्क्वायर इज 3 स्क्वायर 9 ए स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 2 से 2 कट हो गया 3a। अब अगेन इस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स नहीं है तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। तो इस तरह अगेन आइडेंटिटी यूज करने से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये दोनों आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए। मेरे साथ बोलो, ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी एंड ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। दोनों फॉर्मूलों में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, याद करने की कोशिश करना, आपको ये आइडेंटिटीज आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक और आइडेंटिटी करेंगे, इसके बाद इन आइडेंटिटीज के बेस पे अगेन डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। ऑल द बेस्ट।